सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी के फर्स्ट यूनिट के बारे में, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उस पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि यूनिट वाइज जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए थी बच्चों को, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, दैट इज खुश रहने की कला, तो आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। और मेनली हम यूनिट वन ही कवर करेंगे, बाकी आपके पास यूनिट टू, यूनिट थ्री एंड यूनिट फोर तीनों ही वीडियोस जो है, जो बाकी यूनिट्स की वीडियोस हैं, वो आपको एक या दो दिन के अंदर अंदर में प्रोवाइड हो जाएंगी। उसके अलावा आपके जो एग्जाम्स हैं वो भी अब जल्द ही आने वाले हैं, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना कि आपका नेक्स्ट एग्जाम जो भी अब है 17 तारीख से लेके मेनली 30 या फिर आगे अगस्त में आपका जो भी एग्जाम्स है, उन सबके बारे में कमेंट में जरूर बता देना, बिकॉज सबकी ही वीडियोज जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बनानी मैंने शुरू कर दी है एंड जल्दी आपको प्रोवाइड भी कर दी जाएगी इस चैनल पे। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम पे जो है वीडियोस को ज्यादा सर्च आउट नहीं करना पड़े। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी यूनिट वन। यूनिट वन में हमारा मेन लिया है ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस लेक्चर्स। सो इसमें हम मेनली देखने वाले डेफिनेशन क्या होती हैप्पीनेस की, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हैप्पीनेस के, इसका एनवायरमेंटल एंड सोशल डेफिनेशन क्या क्या होती है। देन अगर हम देखेंगे तो वो देखेंगे फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ हैप्पीनेस। देन हम देखेंगे साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस। एंड देन हम देखेंगे कोपिंग विद स्ट्रेस, अ लाइफ सेविंग स्किल। तो हम कैसे जो है, मतलब हैप्पीनेस से जो है या खुशी से जो है, कैसे हम स्ट्रेस को भी कॉप अप कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी यूनिट है इसमें, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन एंड फैक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस के अगर हम देखें तो हैप्पीनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसा वेलबींग ऑफ अ स्टेट, मतलब ये कैसी स्टेट होती है जिसमें जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उनके एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, सेटिस्फेक्शन होता है उन्हें अपनी लाइफ के साथ, एंड उनके पास एक सेंस होता है ऑफ मीनिंग एंड पर्पस, कि मतलब उनकी लाइफ का एक मीनिंग है और एक पर्पस है। वो इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स से लेकर, जैसे कि एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स, और यही आपसे मेनली पेपर में पूछा जाता है दोनों, एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम देखें तो वो होते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हैप्पीनेस में, जैसे कि आपका क्वालिटी क्या है फिजिकल सराउंडिंग की, आपके पास क्या क्लीन हवा, मतलब एकदम क्लियर हवा का एक्सेस है या नहीं है, एकदम आपके पास साफ पानी के एक्सेस है या नहीं है, या आपका जो नेबरहुड है वो सेफ है या नहीं है, या आपके पास ग्रीन स्पेसेस लाइक यहाँ पर जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पर ट्रीज या फिर इतनी प्लेजेंट हवा है या नहीं है। सेम विद एस्थेटिक्स, एंड ये जो है आपका ओवरऑल वेलबींग को जो है इम्पैक्ट करता है, इसी से आप पता लगा सकते हो कि क्या आप अपनी लाइफ से खुश हो या नहीं। एडिशनली अगर हम देखें फैक्टर्स लाइक नॉइज लेवल, जैसे कि आजकल हमने देखा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से नॉइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो नॉइज लेवल्स, पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, ये सारे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हैप्पीनेस के ऊपर। वहीं अगर आप देखोगे इंडिया की जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है लाइक ऑल ओवर ग्लोब में भी अगर आप देखोगे वर्ल्ड में, तो इंडिया जो है वो बहुत ही नीचे, मतलब बहुत ही लास्ट रैंकिंग में आता है जब भी हम हैप्पीनेस की बात करते हैं। और वो क्यों होते हैं जनरली, वो कहते हैं कि या तो पॉवर्टी की वजह से, या फिर लोग जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है अपनी लाइफ से, या पॉपुलेशन की वजह से, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके भी। देन वी हैव सोशल फैक्टर्स जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो हमारा जो रिलेशनशिप कैसा है एंड सोशल कनेक्शंस कैसे हैं विद ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू आर हैप्पीनेस, मतलब जो भी हमारे रिलेशन अगर है वो हमारा ग्रेटली कंट्रीब्यूट करते हैं हैप्पीनेस की तरफ। स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट होना, पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशन होना एंड एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब आपके साथ कोई हमेशा है, वो एसोसिएट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपका लेवल जो है हैप्पीनेस का वो इंक्रीज हो सकता है, हाई हो सकता है। कन्वर्सली लोनलीनेस, जैसे कि अगर आप अकेले हो या फिर आप सोशली आइसोलेटेड हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है आपका, किसी से लड़ाई वगैरह है, तो आपकी हैप्पीनेस जो है इससे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती है। देन वी हैव इज फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ हैप्पीनेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल वेलबींग के बारे में, तो एक फंडामेंटल कंपोनेंट हैप्पीनेस का, एंगेज कर, अगर हम जैसे एंगेज रहते हैं रेगुलर एक्सरसाइजेज में, या मेंटेन करते हैं एक अपनी बैलेंस डाइट, या इनफ स्लीप वगैरह लेते हैं जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं हमारे मूड की तरफ और ओवरऑल हैप्पीनेस की तरफ। हमारे को जो अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी ज़रूरी है, वाइटैलिटी की एंड एनर्जी वगैरह लेवल्स को इंक्रीज करना एंड एक नॉर्मल लाइफ को जीना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप जो अपनी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देन वी हैव दिस इमोशनल वेलबींग, जो कि इमोशनल वेलबींग जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर इमोशंस एंड आपको उन इमोशंस को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। आपको पॉजिटिव इमोशंस लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक ग्रेटिट्यूड, मतलब अगर आपकी किसी ने हेल्प करी है तो आपको उसको ग्रेटिट्यूड करना, उसको थैंक करना। देन यू हैव इज काइंडनेस एंड कंपैशन। देन वी हैव इज डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए अपने स्ट्रेस को एंड कल्टिवेट करना चाहिए पॉजिटिव इमोशंस, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस एंड कंपैशन। इमोशनल वेलबींग जो है हमारे को अलाउ करती है कि हम नेविगेट कर सके अपने लाइफ चैलेंजेस को विद रेजिलियंस एंड ऑप्टिमिज्म,
contributing to our overall happiness. Then we have a psychological well-being. So psychological well-being जो है वो होता है आपका mind, मतलब कि आपका दिमाग जो है क्या वो जो आपका satisfaction है वो बहुत ज़्यादा important है कि क्या आपकी personal growth हो पा रही है नहीं हो पा रही, जो आपको needs है मतलब जो fulfillment है वो आपकी अच्छी है या नहीं है, and दूसरा आपकी positive self-image होना. पॉजिटिव इमेज होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना कि आपको अपने बारे में जो है अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कल्टिवेट करना साइकोलॉजिकल वेलबिंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि वो एक तो आपको माइंडफुलनेस करता है, लाइक प्रैक्टिस करना चाहिए आपको माइंडफुलनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन कि आपको अपने अपने आपको कैसा देखना है ये आपको खुद ही समझाना पड़ेगा, एंड देन परस्यू करना अपनी एक्टिविटीज जो कि आपके वैल्यू एंड आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो. जब भी आप जो एक आपका सेंस होगा पर्पस या फिर लिविंग का, जैसे कि आपके ऐसे एक होगा कि हाँ मेरा ये पर्पस है, ये मीनिंग है लिविंग का कि मैं क्यों जी रहा हूँ, तो तब आपकी जो है एनहेंस हो सकती हैप्पीनेस, मतलब आपकी जो हैप्पीनेस है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है. देन वी हैव ए साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस. सो हैप्पीनेस जो है वो सोलली आपकी इमोशनली साइकोलॉजिकल स्टेट ही नहीं होती है, वो आपकी हार्मोनल अंडरपिनिंग्स में भी होती है. लाइक सेवरल अगर हम बात करें हार्मोन्स जो है वो इन्वॉल्व करते हैं हमारे हैप्पीनेस में, जैसे हम कहते हैं कि एंडोरफिन्स, या तो ये एंडोरफिन्स जो है ये फिजिकल एक्सरसाइजेस के दौरान ही बढ़ती है, जब भी हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं या प्लेजरेबल एक्टिविटीज करते हैं तो तब हमारा एंडोरफिन्स जो है वो बढ़ता है, जिससे हमारे को क्या होती है खुशी होती है. डेट मीन्स कि हमारी हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं फीलिंग ऑफ यूफोरिया एंड वेलबींग तो हमारे जो सेरोटोनिन है जो कि इसे हम और भी नेम से कहते हैं, तो वो हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमारे को स्लीप में अच्छा कर देता है, एंड एपेटाइट मतलब हमारी भूख को भी बढ़ा देता है, जिससे हमारी हैप्पीनेस के लेवल्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. देन वी हैव इस ऑक्सीटोसिन, दैट इज हमारे को इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग हार्मोन, जो कि रिलीज होती है जब भी आपका कोई फिजिकल टच होता है या फिर एक्ट्स होते हैं ऑफ काइंडनेस, मतलब किसी की भी आप कभी हेल्प वगैरह करते हो, ट्रस्ट करते हो किसी में भी, किसी से आप अच्छा कनेक्शन वगैरह बनाते हो या हैप्पीनेस होता है आपको, तो उस समय जो है आपका ये पॉजिटिव लेवल पर आता है. देन वी हैव इस इट रीइंफोर्सेस बिहेवियर्स दैट लेड टू हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन. देन वी हैव इस कोपिंग विद स्ट्रेस. सो नेक्स्ट वी हैव इस कोपिंग विद स्ट्रेस, अ लाइफ सेविंग स्किल. सो कोपिंग विद स्ट्रेस मतलब होता है कि आपको स्ट्रेस के साथ जो है कोप अप करना आना चाहिए. जैसे कि स्ट्रेस जो है एक हमारा इनएविटेबल पार्ट होता है, मतलब कि उसको आप कभी भी कम नहीं कर सकते, उसको आप कभी भी हटा नहीं सकते, मेनली कम तो नहीं बट हाँ हटा नहीं सकते उसको आप, क्योंकि वो एक लर्निंग इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो एसेंशियल होता है ताकि आप अपने हैप्पीनेस को जो मेंटेन कर सको, क्योंकि आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस हमेशा रहेगा ही, जिसको आप कोप अप कर सकते हो विद फिजिकल इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के साथ. मतलब कि कोपिंग अप विद स्ट्रेस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इट हैज ऑन अस. फिजिकल कोपिंग स्ट्रेटजीज जैसी होती है हमारी एक्सरसाइज, कि आपको एक्सरसाइज कर सकते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन करना, या मेंटेन करना एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एंगेज करना अपने आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज में, जिससे आप जो अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो एंड रिड्यूस कर सकते हो अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को, एंड प्रमोट कर सकते हो अ सेंस ऑफ वेलबींग. देन वी हैव मीन्स इमोशनल कोपिंग स्ट्रेटजीज. सो इमोशनल आप अपने आपको कैसे कोप अप कर सकते हो, डैट इज कि आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए अपने इमोशंस को, एंड एक्सप्रेस करना आना चाहिए अपने इमोशंस को इन अ हेल्दी वे. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को उससे इम्पैक्ट करो. दिस कैन इंक्लूड टेक टॉकिंग टू अ सपोर्टिव फ्रेंड और थेरेपिस्ट, मतलब कि आपको अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, आप अपने किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो, या आप अपने को एक एंगेज कर सकते हो किसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में, जैसे आपको अगर आर्ट्स में पसंद है या फिर आपको ड्राइंग वगैरह पसंद है आप उसमें भी एंगेज कर सकते हो, राइटिंग वगैरह में पसंद है तो आप उसमें भी अपने आपको एंगेज कर सकते हो, एंड प्रैक्टिस करना चाहिए सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जो कि आपको हेल्प करती है कि आप अपने आपको जो अपने रिलैक्स कर सको. देन वी हैव ए साइकोलॉजिकल कोपिंग स्ट्रैटेजीज. तो साइकोलॉजिकल कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती है जिसके अपने माइंडसेट को चेंज करना एंड अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना इन रिस्पेक्ट टू कि वो आपका पॉजिटिव ही रहे, ये नहीं होना चाहिए कि आपका नेगेटिव पर्सपेक्टिव कर लो पॉजिटिव को लेकर. दूसरा ये इन्वॉल्व करता है रीफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स, कि अपने नेगेटिव थॉट्स को समझना एंड उन नेगेटिव थॉट्स को जो पॉजिटिव थॉट्स में धीरे धीरे करके कंप्लीटली कन्वर्ट करना एक टाइप से. देन प्रैक्टिस करना ग्रैटिट्यूड, मतलब दूसरों को थैंक करना. कल्टिवेट करना रेजिलियंस, कि मतलब दूसरों के बातों से इतने जल्दी नहीं इफेक्ट होना. एंड सी करना आउट एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड यू पर्पस एंड सेंस पर्पस ऑफ मीनिंग, मतलब कि आपके लाइफ के लिए जो है एक आपका पर्पस होना चाहिए एंड ऐसी एक्टिविटीज आपको मतलब परस्यू करनी चाहिए जिससे आपको लगे कि यस यू आर द इम्पॉर्टेंट.
देन वी हैव इज लर्निंग इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो आपको लर्न करना चाहिए कि कैसे आप जो स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो. आप बहुत सारी टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो एंड नेविगेट कर सकते हो अपने लाइफ चैलेंजेस को, कि आपको कौन कौन सा लाइफ चैलेंजेस आगे फेस करने पड़ रहे हैं, एंड उसी के हिसाब से आप अपने को रेजिलियंस बना सकते हो कि आप जो है आपको उससे इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े. प्रिवेंट कर सकते हो अपने क्रॉनिक स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इशूज़ को, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो अगर आप हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो गए, या आपको डिप्रेशन वगैरह है तो उसमें अगर आप हैप्पीनेस में इन्वॉल्व हो गए तो आपका जो डिप्रेशन वगैरह है वो कुछ हद तक कम हो सकता है. कंक्लूड अगर हम करें इस पूरी यूनिट को तो डैट इज़ कि हैप्पीनेस जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो सारे आपके फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट, कि आपका जो आसपास के लोग कैसे हैं, सोशल वेलफेयर वही होते हैं जो आपके नेबर वगैरह होते हैं वो सब, देन यार फिजिकल एक्टिविटीज आपकी कैसी है, आप इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हो नहीं, एंड दूसरा मतलब लास्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि आप अपने माइंडसेट को मतलब एक तरह से सेट कर पा रहे हो या नहीं. और अगर आप इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाते हो और नर्चर कर लेते हो इन सारी चीज़ को, बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स को, तो आप कल्टिवेट कर पाओगे ग्रेटर हैप्पीनेस इन आर लाइफ्स एंड एक्सपीरियंस कर पाओगे एक मोर फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइंग एग्जिस्टेंस. एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. अगर आपका इस पर्टिकुलर यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो एक तो पहले मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जरूर देख लेना, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. उसके अलावा जो भी आपको वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स में तो बता ही सकते हो. एंड उसके अलावा कई बच्चे बोलेंगे कि इतने छोटे आंसर आप पेपर में तो नहीं लिख सकते, तो ये जस्ट मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं, तो आप इसको जो है इलेबोरेट अपने वर्ड्स में भी कर सकते हो. आपको जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं तो आप वो भी लिख सकते हो इंग्लिश में, जो ऐसे भी आपको पेपर आते हैं इंग्लिश में आते तो इंग्लिश में, हिंदी में आते तो हिंदी में. ऑल्सो आप जो है अपने खुद अपने भी लाइफ एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड कर सकते हो. एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे ऐड कर सकते हो, डिप्रेशन के एग्जाम्पल या हो गया, या हेल्थ इश्यूज के एग्जाम्पल हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं. विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे कर लेना फॉलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.